समुद्र काकड़ा है। समुद्र का, हाँ, ये देखिए ये समुद्र की जो है ये समुद्र का केकड़ा आप लोगों के यहाँ लाइव दिख रहा होगा, देख रहे हैं अभी जिंदा जिंदा है। और ये लोग ये बहुत हेवी काटते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मछुआरे लोग पकड़ करके लाए हैं और इन केकड़ों को आप लोगों को एटा की माछ एटा स्टिंग रे देखिए स्टिंग रे छोटी मछली देख लीजिए, स्टिंग रे का छोटा रूप आप लोग देखिए, बाजार में तो बहुत बड़ी बड़ी मिलती हैं, तो ये स्टिंग रे मछली जो है यहाँ पर दिख रही है। ये नाम टकी झींगा, ये झींगा मछली देखिए, ये झींगा मछली ये लोग लाए हैं। बहुत सम्मिलित रूप से बहुत सारी मछलियाँ मिलती हैं इसमें, मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को कि यहाँ पर देखिए। हाँ, ये 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 कौन सी मछली है? पताया। ये इसका ही जाते। ओ अच्छा 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 अच्छा, ये एक ही है देखिए, एक ही ये अलग, अच्छा ये अलग 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 जाति की है। अच्छा ये कौन सी मछली है? बमला माछ। अच्छा पम्पलेट। अच्छा पम्पलेट। ओ पम्पलेट है, अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। और कोई वेराइटी की मछली हो तो दिखा दीजिए। अच्छा फीता माछ। अच्छा ये फीता मछली, भोला, ये भोला मछली। अच्छा काली बाउल बच्चा है, ये काली बाउल मतलब वो उसी का जो ये, हाँ हाँ हाँ, ओहो पम्पलेट का ही दूसरा। अच्छा कांकड़ा कांकड़ा है, ये जो कांकड़ा रेड 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 स्क्रैप दिखाइए है, लाल लाल। हाँ ये अलग अलग केकड़ा है, ये अलग है और ये अलग है। ओ अच्छा, एक रेड होता है ना, रेड लाल लाल केकड़ा, वो पकड़ते नहीं है ना, वो खाया नहीं जाता है। खाया जाता है लेकिन हम पकड़ते नहीं। ओहो आप लोग पकड़ते नहीं है, ये देखिए इधर मैं दिखाऊं आप लोगों को, ये भोला भोला मछली ना, ना ना भोला वो नहीं, भोला मछली है। अच्छा ये बमला, ओह भोला मछली। ओ ये कौन मछली है बोलिए? रूली। ओ ये रूली मछली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। चंदा, आओ चंदा मछली। अच्छा अच्छा भला वाला माच। ओके 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 थैंक यू। सब उठे? हाँ हाँ सब उठे छे, सब उठे। देखा हाँ देखा वो। अच्छा दाना दाना देखा। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि काजू के वृक्ष कैसे होते हैं। जो काजू हम लोग बाजार से खरीद करके खाते हैं उस काजू के पेड़ कैसे होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये काजू के वृक्ष अभी तो काजू लगे नहीं हुए हैं लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं दिखा दूं, ये काजू के पेड़, ये बहुत ही प्रोसेसिंग से इसे बनाया जाता है। ये कोस्टल एरिया में ही पाया जाता है, जितना कोस्टल एरिया है चाहे वह गोवा हो तमिलनाडु हो इस तरीके से जो कोस्टल एरिया है केरला हो, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये कोस्टल एरिया ये इसमें ये काजू के इस तरीके से ये पेड़ होते हैं। इन्हीं में काजू लगते हैं फिर उन्हें प्रोसेस करके फिर काजू तैयार किया जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं चीड़ के घने जंगल, यहाँ पर आप लोगों को चीड़ के घने जंगल दिखाई पड़ेंगे। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से इस घने जंगल में ये लोग जाती हैं कुछ औरतें, और ये आप देख सकते हैं पूरे ये चीड़ का जंगल घना बहुत ही खूबसूरत। एक जगह तो चीड़ का जंगल ख़त्म लेकिन यहाँ पर देखिए आप कि चीड़ के जंगल किस तरीके से हरे भरे हैं, और इसमें नाना प्रकार की गतिविधियाँ जैसे कि लकड़ी काटना सप्टा सप्टा ये लोग जाते रहती हैं यहाँ पर।
ये आप लोग ऊपर तक आप लोगों को दिखाऊं, ये पेड़ कितने घने और कितने सुंदर दृश्य ये प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये लो लंबी लंबी ऐसे लगी लेकर के, और इसे ये लो इनकी टहनियों को तोड़ती हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, देखिए ये लो कैसे तोड़ रही हैं। ये एक अलग ही मंजर है। पता नहीं ये लोग इसका क्या करेंगे, कोई ना कोई तो काम ज़रूर आएंगे ये लकड़ियाँ और इसकी पत्तियाँ। वाकई विचित्रपुर बहुत सुंदर जगह है, एकदम ग्रीनरी से भरा हुआ, इतना हरा भरा गांव देखने पर मन खुश हो जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं।